अगर दोस्तों आपका मोबाइल भी रुक रुक कर चलता है, एंटीवायरस ज़्यादा भर चुके हैं, तो दोस्तों आप अपने मोबाइल को किस तरह ठीक करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल न्यूटेक में। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि अगर मोबाइल रुक रुक कर चलने लगता है तो इसकी क्या वजह है। इसकी एक तो वजह दोस्तों यह है, अगर आपके मोबाइल में एंटीवायरस ज़्यादा भर चुके हैं तो दोस्तों आपका मोबाइल रुक कर चलने लगता है। और एक दूसरी और वजह है दोस्तों, उसे भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले इस प्रॉब्लम को मैं आपको सोल्व कर कर दिखा देता हूं। आपने करना क्या है दोस्तों, देखिए ये यहाँ पर फ़ोन मास्टर एप्लीकेशन आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। अगर ये आपके पास पहले से ही है तो दोस्तों आपने इस तरह ऑन कर लेना है। और ऑन करने के बाद अब यहाँ पर कुछ इंटरफेस आपके सामने दिखेंगे। आपको करना क्या होगा, यहाँ देखिए एंटीवायरस ये जो ऑप्शन आपके यहाँ पर मोबाइल में आएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये देखिए अब सारे जो भी एंटीवायरस आपके मोबाइल एप्लीकेशनों में भरे हुए हैं उनको ये यहाँ से स्कैन कंप्लीट कर चुका है, यानी कि अब आपके मोबाइल के एंटीवायरस सारे इसने क्लियर कर दिए हैं। दूसरी प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि आप अपने मोबाइल में कई सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं और दोस्तों आप यूज करने के बाद अपने मोबाइल के बैकग्राउंड से वो एप्लीकेशन क्लियर नहीं करते, तो इस वजह से आपका मोबाइल रुकने लगता है, रुक रुक कर चलने लगता है। तो इनको किस तरह हम क्लियर करेंगे दोस्तों, आपको अब करना क्या होगा, यहाँ देखिए जो आपके मोबाइल का ये मेन बटन है इस पर आपने प्रेस कर देना है। और इस तरह आपको दोस्तों यहाँ पर कुछ जो एप्लीकेशन यूज कर रखे हैं वे दिखाई देंगे। अब आपको यहाँ से इन्हें क्लियर कर लेना है। इस तरह दोस्तों आपने क्लियर कर देना। अब दोस्तों आपका मोबाइल बिल्कुल ओके हो गया है। अब आपको और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह आप अपने मोबाइल को ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।